डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। अगर ये लाइनें यूपी कुशीनगर की दो बेटियों ज्योति और नेहा के लिए कही जाएं, तो शायद गलत नहीं होगा। समाज की छोटी सोच को ठोकर मारकर आज ये बेटियां अपने लकवाग्रस्त पिता के सैलून को आगे बढ़ाकर घर को चलाने में मदद कर रही हैं। उसके बाद हम उनको धीरे 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 हाथ चलने लगा, पापा हम भी सीखेंगे, हम सीखो बनाओ देखो, तो लगी बनाने, बनाते बनाते हम बैठे रहते हैं और बनाती हैं अपना। परेशानी तो है ही है, लेकिन इसी में काम करते हैं हम लोग, का किया जाए। साहब, दरअसल साल 2014 में सात बेटियों के पिता ध्रुव नारायण पैरालिसिस के शिकार हो गए थे। चार बेटियों की शादी कर चुके हैं, लेकिन दो बेटियां अभी भी बाकी हैं। तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने गांव में ही नाई की दुकान खोल ली, पर बेटियों से पिता की हालत नहीं देखी गई। उन्होंने उनकी दुकान पर काम करने का फैसला किया। इस पर आसपास के लोगों ने विरोध किया, बोले ये काम तो लड़कों का होता है, पर ज्योति और नेहा ने किसी की एक न सुनी, उन्हें तो सिर्फ पिता की मदद करनी थी। दुकान चलाते थे और पिताजी मतलब अचानक मतलब तबीयत खराब हो गया था, तो हम लोग सोचे कि मतलब कौन घर का खर्चा मतलब चलाएगा, भाई तो एक भी नहीं, हम लोग सात बहन हैं। आज ज्योति और नेहा हर रोज लगभग 10 से 12 घंटे के लिए दुकान खोलती हैं, ताकि घर के खर्चे और पिता की बीमारी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। इतने घंटे काम करने के बावजूद वो मुश्किल से 300 से 400 रुपए ही कमा पाती हैं। और पापा से मतलब तबीयत खराब हो गया, तो उसके बाद से मतलब बड़ी बहन ज्योति आती थी दुकान पर, मतलब देखते देखते उसके बाद से सीख गए, देखते देखते बनाने लगी, उसके बाद से सीख गई। लड़कियां बाल काटेंगी, लोगों के इस सवाल का जवाब उन्हीं पर छोड़ते हुए दोनों बेटियां परंपरा के खिलाफ जाकर पिता की मदद कर रही हैं। एक तरफ जहां बेटियों को बेटों से पीछे समझा जाता है, वहीं ज्योति और नेहा ने इसे गलत साबित किया है। बेटे और बेटियों में अक्सर ही फर्क करके देखा जाता है, लेकिन इस गरीब परिवार के पीछे दो बेटियां ऐसी निकल के आईं जिन्होंने बेटों को ही मात दे दिया। अपने पीड़ित पिता के साथ में उन्होंने नाई जैसे काम को अंजाम दिया और बखूबी अपना दुकान चला रही हैं, पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। यह एक समाज के लिए भी बड़ा संदेश है। सूर्य प्रकाश राय, ईटीवी भारत, कुशीनगर।